Hey guys, मैं हूं आप देख रहे हैं टेक्सोमी का एक लेटेस्ट एपिसोड और आज हम यहां पे कंपैरिजन करने वाले हैं Redmi K20 और Realme X का और हमारे साथ इस पे बात करने के लिए जुड़ गए हैं नमन भाई एंड्रू वाइट से जिनको आप काफी बार देख चुके हो। नहीं देखा कोई बात नहीं, लिंक नीचे दे रखा है मैंने भाई, पैसे दे देना बस। पैसे पिछली बार रह गए थे ऐसे किया था भाई साहब, नहीं दिया, बड़े झूठ बोलते हैं, कलाइब कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं भाई, सब्सक्राइब कर लेना मेरे को भी। तो चलो, हमारे पास दोनों फोन इस वक्त अवेलेबल है, Realme X और Redmi K20 और यूजेज हो चुकी है दोनों फोन की और आज अच्छे से कंपेयर कर लेते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है इस टाइम पे। एक्चुअली कंफ्यूजन तो नहीं, जब Realme X लॉन्च हुआ था उस टाइम पे था कि यार थोड़ा सा ओवर प्राइज्ड है, लेकिन जब Redmi K20 आ गया तो उसके बाद यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई कि यार नहीं नहीं Redmi K20 थोड़ा ओवर प्राइज्ड है, Realme X बेटर ऑप्शन लगा लोगों को, क्योंकि 17,000 के बजट में काफ़ी धांसू डिवाइस पड़े हैं। तो अगर बात करते हैं अमन भाई बिल्ड डिज़ाइन इन सब चीज़ों के बारे में, यार दोनों फोन्स को अगर मैं देखूं फर्स्ट ग्लांस पे दोनों फोन्स काफ़ी सुंदर लगते हैं, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे अगर हम देखें इसकी यार ग्रेडियंट बैक आती है, ट्रेंड है, इसकी भी ऐसे मिल जाती है ग्रेडियंट बैक, पर ओवरऑल अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो फिर तो Redmi K20 पे दिल आ गया मेरा। बिल्कुल, तो Redmi K20, K20 Pro दोनों में ही आपको ग्लास बैक मिल जाता है जो कि ओवरऑल काफ़ी धांसू लगता है, अलग अलग कलर वेरिएंट में, तो थोड़ा सा अलग डिज़ाइन दिया गया है इस बार। हालांकि Realme X जो मैंने यूज़ किया उसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को पहले से बेटर लगी, हालांकि है भले उसमें पॉलीकार्बोनेट लेकिन बिल्ड बेटर है पहले से जहां तक मैंने, जैसे कि भाई मैं बोलता हूँ ना Vivo V15 Pro के वीडियो में मैंने बताया था कि उसका प्लास्टिक फील नहीं होता कि प्लास्टिक है। बिल्कुल, इसका भी कुछ कुछ वैसा है, बट वही है कि इसका फ्रेम बिल्कुल पता चल जाता है कि यार प्लास्टिक का बना हुआ है, और इसमें वही चीज़ अच्छी कि फ्रेम यार हाथ में पकड़ के मजा आता है। अगर आप Realme X और Redmi K20 को एक साथ पकड़ेंगे तो बिल्कुल आपको फील होगा कि कौन सा बेटर है, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बाकी यार प्राइस के हिसाब से एक होंगे Realme X के लिए कि यार इस प्राइस पे सभी प्लास्टिक ला रहे हैं, बस Xiaomi को छोड़ के। तो ओवरऑल 17,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से और चीज़ों को अगर देखते हैं तो Realme X बेटर ऑप्शन है मेरे ख्याल से। लेकिन अगर बात कर लेते हैं फ्रंट की, तो यहाँ पे दोनों डिवाइसेस में आपको मिल जाता है AMOLED डिस्प्ले। बेसिकली Realme X में सुपर AMOLED दिया गया है, तो ओवरऑल अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ब्लैक्स काफ़ी धांसू एकदम ब्लैक, मतलब ब्लैक ब्लैक दिखते हैं, ग्रे नहीं दिखते बेसिकली, और पंचियर कलर्स दिखते हैं आपको, और स्क्रीन साइज़ का थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, लेकिन Redmi K20 मेरे को थोड़ा सा हैंडी ज़्यादा फील होता है क्योंकि थोड़ी सी स्क्रीन छोटी है। बिल्कुल, यहाँ पे 6.3 इंचेस है, यहाँ पे 6.53 इंचेस मिल जाएगी। दोनों में अच्छी बात है AMOLED है और साथ में Gorilla Glass 5 दोनों में ही है, कोई कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दोनों फोन्स में देखने को मिल रही है। यार डिस्प्ले में एक चीज कमी लगी है, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, कि यार इसको ना हम कस्टमाइज कर सकते हैं Redmi K20 में, इसमें नहीं होता, और एक चीज इरिटेट करती है, कभी यहाँ पे क्लॉक दिखाती है, कभी यहाँ दिखाती है, कभी इधर चल जाती है, कभी उधर, नहीं तो यार एक जगह पे नहीं रहती। ऑलवेज ऑन में बेसिकली ज्यादातर फोन मैंने Redmi K20 में भी देखा था कि क्लॉक इधर उधर होती रहती है, मूव होती रहती है, पर हम उसे कस्टमाइज कर सकते हैं Redmi K20 में, लेकिन हो सकता है सॉफ्टवेयर फीचर है तो आ सकता है फ्यूचर अपडेट का वेट करते हैं। Realme आजकल अपडेट में काफी अच्छी होती है। बिल्कुल, तो यहाँ पे अमन भाई बात करते हैं अगर परफॉर्मेंस की, तो Realme X में आपको मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 710 जो कि आपको Realme 3 में मिला था, 3 Pro में एक्चुअली, और Redmi K20 में आपको मिल जाता है नया चिपसेट है, काफ़ी बढ़िया चिपसेट है, जहाँ तक बेंचमार्क्स देखे हैं मैंने अभी तक Snapdragon 730 जो कि X में भी हमने वैसे एक्सपेक्ट किया था लेकिन वो मिला नहीं हमें। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो हाँ, दोनों ही डिवाइसेज में आपको UFS 2.1 का सपोर्ट मिलता है, तो ये काफ़ी कमाल की बात है कि 17,000 के बजट में हमें UFS 2.1 की स्टोरेज मिलती है, तो रीड राइट स्पीड एकदम धांसू काफ़ी फास्ट होती है। मेरे हिसाब से यही रीजन है इसके अंदर माइक्रो एसडी कार्ड दोनों फोन्स में नहीं देखने को मिल रहे। अब असली परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, जनरल परफॉर्मेंस जो देखी है यार, दोनों फोन एकदम स्मूथ चलते हैं, कोई हमें कमी देखने को नहीं मिलेगी। गेमिंग वेयर एच डी वेटिंग में हो जाती है, पर अगर आप हार्डकोर यूजर हो मेरे हिसाब से तब पता चलेगा कि Redmi K20 हाँ थोड़ा आगे है यार, बूट टाइम से भी फर्क पड़ता है और ग्राफिक्स वगैरह में भी काफी फर्क पड़ जाता है। और बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि भैया Realme 3 Pro में भी 710 दिया गया था, इसमें भी, तो भाई उसमें 2.1 नहीं दी गई थी, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा अगर हम कंपेयर करेंगे Realme 3 Pro और Realme X को। तो गाइस चलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ जो कि इसके कैमराज होंगे। अभी यार भाई कैमराज ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है Redmi K20 के पास कि ट्रिपल कैमराज मिलते हैं और इसमें डुअल कैमराज है। बिल्कुल, तो पीछे की तरफ बताओ यार क्वालिटी वाइज आपको क्या फर्क लगा? अब जहां तक मैंने इसे यूज किया है तो मुझे रेयर कैमरा में तो ओवरऑल दोनों फोन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बस एडवांटेज Redmi K20 के पास ये है कि ट्रिपल है, तो भाई आप अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स ले सकते हो, टेलीफोटो जूम लेंस का यूज कर सकते हो, और बाकी सारे मोड्स तो आपको मिल ही जाते हैं दोनों डिवाइसेस में, और फुल HD 60 FPS पे भी शूट कर सकते हैं, स्लो मोशन का सपोर्ट भी मिल जाता है दोनों ही डिवाइसेस में। तो कैमरा वाइज मेरे को दोनों डिवाइसेस काफी अच्छे लगे, कुछ सिचुएशंस में Realme X काफी अच्छा परफॉर्म करा था जैसे मैंने टेस्ट किया था,
और अगर फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों डिवाइस में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अब एक यहाँ पे अमन भाई जो मैंने टेस्ट किया था, रियलमी एक्स में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, इसमें 20 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा मिलता है। तो अगर बात करते हैं क्वालिटी की, तो मेरे को रियलमी एक्स की क्वालिटी अच्छी लगी, बेटर है, ज़्यादा अच्छी लगी। इवन लो लाइटिंग कंडीशन में मैंने थोड़ा सा कंपेयर किया था, तो लो लाइटिंग कंडीशन में काफ़ी ग्रेन्स आते हैं रेडमी के 20 के इमेजेस में, और डायनेमिक रेंज भी उतनी अच्छी नहीं है फिलहाल। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसे सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू फिक्स किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे डायनेमिक रेंज की मतलब मजेदार नहीं है। सीधी बात है यार, हाँ। अगर मैं बैक कैमरा के अगर हम सेंसर्स भी याद करें, कहाँ IMX582 मिल रहा है इसमें 22,000 में, यहाँ जो सेंसर है वो बेटर मिल रहा है इवन की 5,000 कम में, IMX586 जो की K20 Pro में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं रियलमी एक्स की फोटोज बेटर भी मिल जाती है। हाँ, मैंने लो लाइट में ये चीज देखी है कि थोड़ा रियलमी एक्स थोड़ा ज्यादा बढ़िया खींचता है बैक कैमरा से भी, और रेडमी K20 की एक चीज लगी है मेरे को यार, कई कई में ओवर एक्सपोज बहुत ज्यादा करता है। हाँ, ये इशू लगा मेरे को। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं IMX582 को 586 से, तो बेसिकली यहाँ पे बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। 582 में आप फुल HD वीडियो 60 FPS पे कैप्चर कर सकते हैं, और 4K वीडियो 60 FPS पे कैप्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से Realme X में भी आप 4K वीडियो 60 FPS में कैप्चर नहीं कर सकते, 30 FPS पे होती है, हाँ, तो लिमिटेड है। तो दोनों में आपको वो वाला डिफरेंस नहीं मिलेगा जिसकी वजह से ये डिफरेंट माने जाते हैं। बाकी आपको सेंसर में सब कुछ 48 मेगापिक्सल का दोनों में ही सेंसर आपको मिल जाता है। थोड़ी एक चीज नोट किया यार, Realme X की जो स्टेबिलाइजेशन है हल्की सी बेटर है K20 से, ये चीज मैंने तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट पे थोड़ा काम कर रही है, सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है Realme। मेरे ख्याल से Realme काफी अच्छा काम कर रही है पिछले कुछ टाइम से सॉफ्टवेयर के ऊपर। यार दोनों फोन्स के लिए एक चीज कहना चाहूंगा, 17,000-22,000 मेरे हिसाब से यार इस प्राइस पॉइंट पे भी अब किसी किसी फोन में देखने को मिलना चाहिए कि OIS डल जाए। OIS एक ऐसा फीचर है, स्टेबिलाइजेशन काफी अच्छी हो जाती है, हाँ। तो EIS का उतना मजा नहीं है जो OIS में है। हम एटलीस्ट 20,000 के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के टाइम पे कि OIS मिलना चाहिए। इवन की K20 Pro में नहीं आ रहा तो वो मेरे को काफी यार हाँ, उस पे भी नहीं आ रहा, तो वो एक फ्लैगशिप डिवाइस है फिर भी उसमें OIS नहीं मिलता, इसको भी मैंने कवर किया था एक वीडियो में, तो यार ये थोड़ा सा कम फ्लैगशिप बना देता है इसको। भाई सेल्फीज में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी Redmi K20 में, जो कि इसका पॉपअप कैमरा ना यार लाइट छोड़ता है, बड़ी प्यारी लगती है, बहुत धांसू लगती है, और Realme X में भी होती तो मजा आ जाता है। हाँ, बाकी यार एक चीज और यहाँ पे हमने जो डिजाइन में इंक्लूड किया, K20 पे हमें नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलती है। एक्चुअली वो नाम की दी गई है, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, मतलब उस लाइट का आप कभी यूज नहीं कर पाएंगे, फोन को ऐसे रखेंगे उल्टा करके तो आपको कभी पता नहीं चलेगा, एक्चुअली उसका कोई यूज नहीं। और बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में कि अलग से इसमें नोटिफिकेशन LED दी गई, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। यहाँ पे जो पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है ना, उसी के अंदर वही लाइट जलती है, और यहाँ पे थोड़ा सा कटआउट बना दिया गया तो वही लाइट दिखती है आपको कि नोटिफिकेशन LED है, लेकिन अलग से कुछ LED लाइट नहीं लगाई गई है इसके अंदर। तो यार हार्डवेयर की बात कर ली हमने, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो दोनों में जो सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं अलग अलग स्किन्स है, बट एंड्रॉइड 9 के ऊपर चलते हैं। रियलमी जो आपको मिलेगा वो कलरवाइज 6 के ऊपर है, और उधर MIUI 10 है। बिल्कुल, तो भाई MIUI 10 के बारे में क्या बोलूं, MIUI 10 ओवरऑल काफी ऑप्टिमाइज्ड है मेरे ख्याल से, और यहाँ पे अभी तक मैंने कोई एड्स भी नोटिस नहीं करे हैं इस डिवाइस में, तो ओवरऑल मेरे को काफी अच्छा लगा, मतलब एड्स नहीं मिल रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन उनको आ रही हैं अभी भी जो मी की एप्स हैं उनके थ्रू, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नोटिस नहीं हुआ है। और अगर बात करते हैं कलर ओएस 6 की, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया है पहले से, काफ़ी बेटर है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत इन्हें UI के ऊपर काम करना पड़ेगा, फीचर्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं कलर ओएस में। हाँ, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि UI थोड़ी हैवी है, बिल्कुल, जो कि यार मैं सीधी बात बोलूँगा, मैं वेट कर रहा हूँ Realme के नए OS की, जो कि बार बार न्यूज़ आती रहती है कि हम क्लोज टू स्टॉक बनाएंगे, बिल्कुल, और तो पता नहीं कब तक होगा वो क्लोज। हम भी वेट कर रहे हैं भाई साहब, इसमें MIUI 11 का वो भी धांसू होने वाला है। तो देखते हैं कि अगले फोन में बाजी कौन मारता है, अगले सॉफ्टवेयर में कौन बाजी मारता है, Realme या फिर ये हमारा Xiaomi। बिल्कुल, ओवरऑल यार UI में मेरे हिसाब से अभी तक तो प्रॉब्लम दोनों फोन में नहीं है, बिल्कुल MIUI थोड़ा आगे, बहुत मेजर कोई बग्स हमें अभी तक देखने को नहीं मिले हैं दोनों डिवाइसेस में, तो सॉफ्टवेयर के मामले में दोनों सही हैं। बाकी एक चीज़ ये है कि मेरे को यार स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है, तो मैं तो कोई भी फोन लेता हूँ सीधा स्टॉक बना लेता हूँ। यार फोन में भाई साहब बहुत सारे फीचर है दोनों में, अब इनको चलाने के लिए बैटरी अच्छी चाहिए। बिल्कुल, तो दोनों फोन में से बैटरी किसकी ज़्यादा? अब बैटरी के मामले में Redmi K20 में आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि भैया 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और यहाँ पे Realme X में आपको मिल जाती है 3750 mAh की बैटरी, जो कि 20W के Woop 3.0 चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बिल्कुल, अब ये बैटरी के मामले में दोनों डिवाइसेस अच्छे हैं, डिसेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं Redmi K20 का बैकअप आपको थोड़ा बेटर मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा MIUI थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है इस मामले में। लेकिन अगर बात करते हैं चार्जिंग स्पीड की, तो वहाँ पे पूरी तरह से एक क्लियर विनर है Realme X। बिल्कुल भैया, वो चार्जिंग काफ़ी फास्ट है इसमें, बताइए आप। यार बहुत ही ज़्यादा इनसेन है, मतलब कि यार बहुत जल्दी हो जाता है,
मैं यहाँ पे मैं इतनी चीज़ बता सकता हूँ कि 10-15% में यहाँ पे चार्ज पे लगाता हूँ, आधा घंटा चार्ज करता हूँ, मेरे काफ़ी घंटे निकल जाते हैं यार। मैं कहीं भी अगर कहीं बाहर निकलना है, 10 मिनट की चार्जिंग बहुत है इस फोन के लिए। तो फास्ट चार्जिंग अगर आपको अच्छी चाहिए भैया तो ये एकदम धांसू वाला डिवाइस है रियलमी एक्स। फास्ट चार्जिंग ज़्यादा बेटर मिलेगी, कहीं ज़्यादा बेटर मिलेगी, बहुत ज़्यादा बेटर मिलेगी। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप क्या, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि रेडमी K20 आप खींच के एक दिन से ज़्यादा आराम से लेके जा सकते हो बिल्कुल, और इसको यार रात को फिर टॉप अप करना पड़ेगा। लेकिन कई बार अगर मतलब वो यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है, इस पे भी एक दिन से ज्यादा चला सकते हैं हम, बहुत अगर कैजुअल यूज करते हो फिर तो निकल आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे अमन भाई जैसे कि आपको पता है कि भाई प्राइस का कितना गैप है, इसका बेस वेरिएंट आपको मिल जाता है 17,000 का, रेडमी के 20 का बेस वेरिएंट आपको मिलता है 22,000 रुपए का। तो आप क्या रिकमेंड करते हुए कि यूजर को कि भाई कौन सा लेना चाहिए? यार रेडमी K20 एक्सपेक्ट किया था कि 20,000 रुपये में आएगा, 22 में आया, थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। उस टाइम भी अगर 20,000 में आ जाता तो मैं यार एक्स को रेकमेंड नहीं करने वाला था, K20 लेते हम अच्छा लगता, 3,000 मतलब लगाना यार मेरे को लगता कि यार वर्थ है। पर अभी 5,000 का फर्क आया, अब 5,000 के फर्क में हमें एक चीज़ को यहाँ पे देखना पड़ेगा, कहाँ वहाँ पे हमें 22,000 में बेस वेरियंट 64GB की इंटरनल स्टोरेज है, रैम ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, पर यहाँ पर हमें माइक्रो एसडी कार्ड लगाने को नहीं मिलता दोनों डिवाइस आज के टाइम पे 64GB मेरे हिसाब से यार कम है। और इसके बेस वेरिएंट में हमें चाहे रैम 4GB है यार इनफ लगी मेरे को, 4GB कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीटास्किंग अच्छी है। और यहाँ पे जो इंटरनल स्टोरेज है वो 128GB है यार, मतलब कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड की। तो बिल्कुल आप अगर पबजी जैसे गेम्स खेलते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं तो कोई इशू नहीं आएगा आपको, रियलमी एक्स में भी थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि भैया आपको 64GB में ही काम चलाना पड़ेगा और माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट दोनों में नहीं है, तो मेरे ख्याल से 4GB 128GB ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे। बिल्कुल यार अंत में एक और चीज़ पूछना चाहूँगा यार, इसका एक हायर वेरिएंट आता है जहाँ पे 8GB रैम देखने को मिलती है, अब वो आता है 20,000 के प्राइस पॉइंट पे, ऑनियन गार्लिक भी आने वाला है जो कि लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है, तो यार वो रिकमेंड करोगे कि फिर K20 का बेस ठीक है? जो लहसुन प्याज वाला वेरियंट है वो अच्छा है काफ़ी मेरे ख्याल से, उसको वो अच्छा लगा मेरे को यूज़ करा तो। लेकिन मैं उस प्राइस पे अगर कोई यूज़र जाता है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि बेस वेरिएंट जो रेडमी K20 का है वो बेटर है बिल्ड डिज़ाइन के मामले में, तो मेरे ख्याल से उसे ले सकता है। हाँ अगर आपको भैया बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए और साथ में आपको रैम भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप ले सकते हैं, कोई उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। मेरे को भाई का वर्ड याद आ गया, भोकाल मचाना है। बिल्कुल, तो ओवरऑल दोनों डिवाइसेज भोकाली हैं, ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं कि भाई दोनों एक कम है एक ज़्यादा है, हर सबकी अपनी एडवांटेज हैं, सबके अपने डिसएडवांटेज हैं। तो अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि भैया आपको कौन सा वाला लेना है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो जाता है गाइस खत्म यहाँ पे रियलमी एक्स और रेडमी K20 का। ओवरऑल अगर भाई हम देखें तो रेडमी K20 एक बेटर फोन जरूर है, पर प्राइस को देख के चला तो यार वैल्यू फॉर मनी ये बन जाता है थोड़ा। और बाकी यार तुम शाओमी के फैन हो या फिर बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इस चीज में कहूंगा कि K20 फिर विनर बन जाता है। और लेकिन यहाँ पे सुनने में आया कि भाई रेडमी K20 का प्राइस थोड़ा डाउन हो सकता है। बिल्कुल, इंटरनेट पे एक पिटीशन यहाँ पे निकला था विवेक नाम के, यहाँ पे एक पर्सन ने निकाला था, बहुत सारे साइन हो चुके हैं, आई थिंक 5,000 के करीब पहुंच चुके हैं। तो यार ये पिटीशन का जो रिजल्ट निकला है कि न्यूज बहुत ज्यादा आ रही है कि हो सकता है 15 अगस्त को एक ऐसा कोई ऑफर देखने को मिल सकता है कि शायद Redmi K20 पे कुछ डिस्काउंट देखने को मिले यूजर्स को, हो सकता है शायद एक दिन के लिए निकाल दें कुछ यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे या कुछ भी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा प्राइस कट आपको देखने को मिल सकता है, 1,000-2,000 रुपए अगर कम हो जाते हैं। वैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2,000, लेकिन Xiaomi ने जैसे लॉन्च किया था तो 1,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भैया थोड़े कंजूस हो गए हैं आज के टाइम पे ऑफर देने के मामले में। लेकिन अगर 1,000-2,000 का डिस्काउंट दे देते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी डील होगी, काफी बढ़िया होगी। और जो बेचारे अभी तक नहीं ले पाए, क्योंकि यार सबके पास उतना पैसा नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए, कोई स्टूडेंट है या कुछ भी है, तो यार उनके लिए सही हो जाएगा अगर ये सही प्राइस पे आता है एक दो दिन के लिए भी। बिल्कुल, तो भाई फिर वीडियो को खत्म करते हैं, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। और नमन भाई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड आप सबको अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो और नमन भाई के जाके यार चैनल को सब्सक्राइब ठोक के आना, बेल बटन इधर भी उधर भी सब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए।